किसान भाइयों, मैं आज गांवड़ी गांव में हूँ। गांवड़ी का जंगल लगा है ना, और ये हमारे चौधरी साहब हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन कुमार का खेत है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम भी होता है राजपाल सिंह। राजपाल सिंह भाइयों, ये तो इनका बाग है, और ये इधर गन्ना खड़ा है। और देखिए, ट्यूबवेल का पानी नहीं है भाइयों, ये ट्यूबवेल उससे ट्रैक्टर से चलाते हैं पानी, या इंजन से? नहीं, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर चलाते हैं। साल भर में कितने पानी देते होंगे उसके? 10-11? हाँ जी, 10-11। और देखो, 20 दिन में एक पानी आ रहा है जी। देख लो कितना अच्छा गन्ना खड़ा है इनका। ये कितनी दूरी पे है गन्ना? ये जी 28-30 पे है। और इन्होंने एक नया काम कराया है, खेत में हाथ निकलवाया नफरियों से, सफाई। एक तो बेल उतर गई सारी, और देखो ये पत्ती पड़ी है, मोटी मोटी पत्ती उतरवा दी इसकी, और जितना भी खरपतवार था वो सब पड़वा दिया। ये बता रहे एक एकड़ में 2200 रुपया खर्चा आया कुल। ये क्यों जी? ये फागण का गेहूं का? ये फागण का जी भाई, ये फागण का गन्ना है, बहुत अच्छा खड़ा मान रहा हूँ मैं इसे। और मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने ट्यूबवेल से सिंचाई की। अच्छा, ट्यूबवेल से नहीं, ट्रैक्टर से। इसमें तो क्या पछता होगा, जैसे डीजल फूको, कितना खर्चा आ जाएगा साल भर में? साल भर में इसमें कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का डीजल। डीजल? हाँ जी। फिर बचता क्या होगा? बस जो भी है करनी तो है ही। करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही है। देखो, डीजल फूक के सरकार सब्सिडी देनी रही तेल पे। हाँ जी हाँ। यानी जो किसान डीजल फूक रहे हैं उन्हें तो सब्सिडी मिलनी चाहिए कायदे में। हाँ जी हाँ, डीजल ज़्यादा महंगा हो गया। महंगा हो गया जी। तो पूरे चक पे ये ट्यूबवेल नहीं है? नहीं, ट्यूबवेल है, दूसरे चक पे ट्यूबवेल है, बम्बे का पानी है। इस चक पे नहीं है यहाँ। इस पे नहीं है। जो इससे उधर खेत है उन पे बम्बे का पानी है। ये बाग है और ये खेत है, इनमें ट्रैक्टर का पानी है, इसलिए बाग थोड़ा सौखा मान रहा, बड़ी दिक्कत आती है। किसान भाइयों, गन्ना सही खड़ा है, और ये लगा लो जी, मोटाई भी अच्छी है गन्ने की। ये बीज कौन सा जी? 38 ही है जी। और अब मैं इनका बाग दिखाऊंगा। बाग में इन्होंने हल्दी बो रखी है और सौंठ बो रखी है। भाइयों, ये इनकी हल्दी बोई हुई है। सर, तुमने वैसे ही बो दी? एक साल में वैसे नहीं बोई, कूड़ में। ये तो बार बार अब जम रही है, पहले अपने आप जम गया। अपने आप होगी। अच्छा, सौंठ कहाँ को है? सौंठ दिखाऊं? ये सब उस हल्दी और सौंठ के एक सी पेड़ों में। ये क्या पता लग रहा है हमें? सौंठ कौन सा छोटा? ये सौंठ है? हाँ जी, ये सौंठ की पेड़ है। हल्दी तो उधर बुरी थी। अच्छा, ये सौंठ है? हाँ, अब यह खुद अपने आप जमी हुई है सौंठ। हाँ जी। तो इसकी भी गांठ हो, किस तरह की होती है? अदरक की तरह ही है। अदरक की तरह होती है भाइयों। ये देखिए, सौंठ का पेड़ है भाइयों, ये सारे सौंठ के पेड़ हैं। है ना, महक आवे इसकी? हाँ। है, वाकई बिल्कुल महक आती है वही। हाँ जी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।